गाइस क्या हालचाल आप सबका। माय नेम जेबी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और गाइस हमने जो सीरीज चलाई हुई है नंबर सिस्टम की कि सारे मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कर देंगे, है ना, तो वो सीरीज का बस अब वो होता है ना कि समापन होने वाला है, खत्म होने वाली है वो सीरीज। तो ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो ही है, इसके बाद शायद कोई वीडियो नहीं आएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री स्टार्ट कर दें ताकि पेपर से पहले पहले वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगा इस। ओके, आपको पता है पेपर अब पास है, तो ये सब चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं पता होता कि कब लेवल थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाए, तो ये सब चीज़ें इसीलिए मैंने पहले करवा दी नंबर सिस्टम की, क्योंकि डाउट रहता है कि हाँ ऐसी चीज़ें अगर आपने नहीं की और वही चीज़ें वहाँ पे आ गई तो फिर मेरे पढ़ाई का फ़ायदा क्या और आपके पढ़े का फ़ायदा क्या। फिर तो वही हो गया कि जो भेड़ चाल चल रही है, रेट रेस चल रही है, हम उसी का पार्ट बन गए, फिर मेरे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर मैंने बाकियों की तरह करवाई। इसीलिए यूनिकनेस लाने के लिए मैंने बिल्कुल आपको टू द पॉइंट वो चीज़ें करवाई जो पेपर में आ सकती हैं, जिनसे आपके कंसेप्ट 100% स्ट्रांग होने ही होने हैं जी, चाहे कुछ भी कर लो। और आप कहते हो कि मॉक में कैसे नंबर बढ़ेंगे, तो अगर किसी ने ये सीरीज पूरी देखी होगी ना तो उसको खुद पता लगेगा कि मॉक में ऐसे ही नंबर बढ़ते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। लेक्चरबाजी बहुत हो जाती है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल करके दिखाए तो माने, तो आपको प्रैक्टिकली जो है ये सारी की सारी सीरीज जो नंबर सिस्टम की चली, इसके अंदर मैंने पूरा अच्छे से बताया कि कैसे आपकी सिली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और नई नए तरीके बताए आपको जिससे कि आप एक फाइन पर्सन बन सके, आपके अंदर मास्टरी आ पाए नंबर सिस्टम की। और आज का लेक्चर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ होगा। एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि सर ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो मैंने ढूंढे ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो आज करने वाले हैं, और ये वाले क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सारे का सारा जहां से भी हर कोने से नंबर सिस्टम उठा के आपके पास पहुंचा दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर जरूर करें। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे ना कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है अपने आप में, ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप खुद करने बैठेंगे ना तो शायद ना कर पाएं। देखिए, अगर मैं पूछूँ 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 3 की पावर 4 को 3 का क्यूब × 3 ये लिख सकता हूँ? इसका मतलब यही होता है कि सर्ट्स एंड इंडिसेस, इतना सबको पता है सर्ट्स एंड इंडिसेस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये अगर मल्टीप्लाई में हो, सेम बेस हो, तो ये पावर से ऐड हो जाती हैं, ठीक है जी। तो 3 की पावर 4 हो जाता है, इतना तो तय है, ये बात आपको तय है, ठीक है, पता है। बस ये बात इस क्वेश्चन में भूल जाते हैं हम, बाकी सब जगह तो याद रहती है, इस क्वेश्चन में भूल जाते हैं, है ना। तो यही चीज़ सिखानी है आपको, तो सीखते हैं फिर यही चीज़ क्या है। देखिए, इतना अजीब क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछ रहा है इन दोनों के बीच में। ये नंबर ही पहली बात तो अपने बारे में ऐसी वो दिखा रहे हैं ना खुद को कि पता नहीं क्या टॉप होते हैं, ठीक है। इनको पहले लिख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ। ये 3 की पावर 333 + 1, एक नंबर ये है और एक दूसरा नंबर क्या है, 3 की पावर 334 + 1 ये है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ऐसे अगर इसमें ढूंढने लग गए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो जीसीडी पूछ रहे हैं एक तरह से वही होगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं, यानी एचसीएफ पूछ रहे हैं एक तरह से। कहने का मतलब है कि दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है एक तरह से इनका, वो पूछ रहे हैं। तो अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी निकालना है कि किस नंबर से इनको डिवाइड करें, है ना, कि दोनों डिवाइड हो जाएं, सबसे बड़ा नंबर वो बताना है कि उस नंबर से अगर डिवाइड करें तो दोनों पूरे पूरे भाग हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, है ना। यहाँ इसके अंदर राज है सारा। मैंने आपको क्या बताया था कि अभी कि 3 की पावर अगर 4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से आप, 3 की पावर 334 है ना, उसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, 333 और इनटू में 1 3 ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि अब इन तीनों इन दोनों में देखिए ये मल्टीप्लाई है जो, तो यहाँ पे अगर 1 है तो ये ऐड होकर 334 ही बना देंगे, ठीक है, समझ आ रही है आपको ये बात। अब यहाँ पे नीचे प्लस में क्या है, 1 है। अब आप क्या कीजिए, ये जो है ना 3 की पावर 333 इसको ए ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको मैंने क्या बोला है, अभी ए बोला है, अभी अभी आपके सामने इसको ए बोला है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया भाई, ए का क्यूब नहीं बन गया, ए का क्यूब प्लस 1 बन गया। इधर है ए प्लस 1, इधर है ए का क्यूब प्लस 1, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, तो बताया था ये सी एफ वाला मेथड फिर से यूज हो रहा है इसके अंदर, बताया था कि अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, ओड हो यानी एन, तो क्या होता है, ए प्लस 1 उसका एक फैक्टर होता है, समझ गए, तो ए प्लस 1 इसका भी फैक्टर होगा। तो ए क्या है, 3 की पावर 333 + 1, ठीक है, हो गया ना, 3 की पावर 333 को मैंने ए लिखा था और ए प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो यानी कि ये क्या हो गया, इसका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया जो इसको डिवाइड कर सकता है, और यही इसका आंसर भी है, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो इसके अंदर आपको वैसे भी देखने में पता लग रहा होगा कि कोई और हो नहीं सकता है। ठीक है, इतना बड़ा नंबर मैंने ले लिया है सिर्फ इसी के अंदर, तो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा अगर लेंगे तो ये तो खुद ही नंबर ही ये है, तो इसको डिवाइड अगर पूरा पूरा करना है तो इससे बड़ा नंबर कैसे लिख सकते हो आप, समझ रहे हैं? तो ये पूरे का पूरा नंबर खुद ही वो नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। ठीक है जी, समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सब दिमाग वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कह रखे, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100, यही टाइप्स के क्वेश्चन बच्चे बोल रहे थे कि करवा दीजिए हमें समझ नहीं आ रहे, तो इसके सारे टाइप्स मैंने उठा लिए हैं। द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बोथ, तो 100 से लेके 600 के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बोथ, 4 से भी डिवाइड कर सके उनको और 6 से भी, है ना, दोनों से डिवाइड हो सके, वो बताने कितने हैं। ओके, अब देखो 4 और 6 से अगर दोनों डिवाइड होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 4 और 6 का ना आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे ना तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 4 और 6 का लेंगे नॉर्मल तरीके से ले लेते हैं, 2 4 2 3 6, तो ये अगर 6 2 12, यानी कि 12 एक पहला ऐसा नंबर है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ ना, 1 से लेकर 100 तक मैं स्टार्ट करूँ, तो पहला नंबर कौन सा होगा, वो 12 होगा। तो एलसीएम का मतलब ही ये है कि एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें वो दोनों नंबर आ रहे हों। ठीक है, दो नंबर का एलसीएम में, तो 4 भी आए 6 भी आए, तो देखिए 4 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 6 के पहाड़े में भी आएगा, तो ये 12 जो है ना ये 6 भी काट सकता है इस 12 को और 4 भी काट सकता है, पूरा पूरा काट देगा इसको। ठीक है, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब है कि पहला नंबर वो कौन सा हो गया, 12 हो गया, और दूसरा कौन सा होगा फिर ऐसा नंबर, 24 होगा। यानी कि अब 12 12 12 का टेबल चल जाएगा, अब 24 होगा तो उसमें भी 6 उसको काट देगा, 24 को 4 उसको काट देगा, 24 को, ठीक है, काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब ये पूरा 12 12 के डिफरेंस पे आते रहेंगे, यानी कि 12 के टेबल में आते रहेंगे। अब मेरे को बताओ कि 100 के टेबल में 12 के टेबल में 100 से ऊपर कौन सी क्वांटिटी होती है, 108 नहीं होता यहाँ पे भाई, 108 12 नी में क्या होता है, 12 नाइन जा क्या होता है, 108 होता है। तो 100 के बाद पहला नंबर कौन सा ऐसा जो 4 और 6 से डिवाइड हो सकता है, वो है 108 पहला नंबर। ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि एपी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में 12 12 आ रहा है अब, है ना, इस ये ए हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, आप 12 12 ऐड करते जाएंगे तो ये पूरा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। लेकिन मेरे को पहली टर्म कहाँ से देखनी है, यहाँ से देखनी है, 100 के बाद देखनी है। और यहाँ पे देखिए आपकी ये जो 600 है, 12 के टेबल में 600 भी आता है, 12 पंजे 60 होता है ना, 50वें नंबर पे आता है ये, 12 पंजे 60 हो गया ना, 600 हो गया। लेकिन आपको क्या बोला उसने कि बिटवीन, बिटवीन ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपका 40 भी आ सकता है, 41 42 कुछ भी आ सकता है, 42 आपका आंसर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि 100 और 600 के बीच वाले नंबर बताने हैं, 600 को अब नहीं लेना है, ये बात ही समझाने के लिए आपको ये मैंने बोला था कि 600 को आप कंसीडर नहीं करेंगे, 600 से 12 कम जो है नंबर, यानी कि 12 इंटू 50 क्या हो गया, 600 हो गया, लेकिन 12 इंटू 49 वाले को कंसीडर करेंगे हम, यानी इससे जस्ट पिछला नंबर है जो 12 के टेबल में आता है उसको करेंगे। तो 600 में से 12 घटा दीजिए ना 49 से मल्टीप्लाई करने की जगह, तो वही आपका नंबर हो गया। तो 600 में से 12 के, तो 600 में से 10 गया तो हो गया 590, तो 588 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया, 588, ये हो गई आपकी लास्ट टर्म, ये हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? ठीक है जी, अब इसमें क्या करने को वो बोल रहा है, वही पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एपी है, एपी है, ये क्या बन गई एपी, 108 से 588 तक। अब आपको वो पूछ रहा है एन की वैल्यू बताओ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 12 का कॉमन डिफरेंस है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो एन कितना हो गया, एन हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ मैं, अब दोबारा नहीं करवाऊंगा कि बोलो कि एपी करवा दो सर, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर एपी करवाई है मैंने। ठीक है, तो एन कितना हो गया आपका, 588 हो गया। ठीक है, और ए कितना हो गया, 108 हो गया, प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी कितना है, 12 हो गया। ओके, अभी आपको समझाया था 12 पंजे 60 होता है, यानी 50 पे कट रहे हैं, तो ये 588 कितने पे आ रहा है, 12 इंटू 49 पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए 12 से सारे को काट दीजिए, यहाँ हो गया 49, ये कितने पे आ रहा है, 12 9 जा प्लस में एन माइनस वन रह जाएगा, ये कट जाएंगे ना सारे 12 से। ठीक है, ये हो गया, यहाँ हो गया 40 प्लस वन इज इक्वल टू 42, एन आपका आ गया गाइस यहाँ से, सॉरी 42 नहीं 41।
41 आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। अब इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसका आंसर 42 मत मार्क कर देना, क्योंकि हम 600 तक निकालने शुरू कर देते हैं, तो अगर 600 को आपको यूज़ करना है तो एंड में जो आपका 42 आ रहा होगा ना, उसमें से एक घटा दीजिएगा, उस 600 को नहीं लेना, समझ गए। अगर आप 100 मान लो कि 100 भी आ रहा होता उसके टेबल में, सपोज़ करो कि वो बोल देता ऐसा नंबर, तो मान लो वो यही बोल देता क्वेश्चन कि 108 से लेके 600 तक बताओ, तो फिर उस केस में क्या होता है, 108 भी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, और 600 भी आ रहा है, तो फिर दो घटाने पड़ेंगे आपको, अगर आप 108 से स्टार्ट करके 600 तक जा रहे हैं। अगर आप 108 से अगला नंबर ले रहे हैं और 600 से पिछला नंबर ले रहे हैं, तो कुछ नहीं माइनस करना, तो फिर जो आंसर आया वो सही आया। लेकिन अगर आपने जल्दी करने के लिए 108 से 600 तक ही उस केस में ले लिया, तो फिर ये 108 और 600 को दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अगर वो बिटवीन की बात कर रहा है तो वो बीच वाले नंबर ही बताने हैं आपको, इधर उधर वाले जो नंबर हैं उनको, बाउंड्री वालों को नहीं लेना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए गाइस क्या बोले कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 300 एंड 200, 300 से लेके 200 तक 7 से डिविजिबल कितने नंबर हैं वो बताने हैं। पहला नंबर कौन सा होगा, वो तो खुद 7 ही होगा, है ना, 7 से डिविजिबल। दूसरा कौन सा होगा, 14 होगा 7 से डिविजिबल, 7 का टेबल चल गया। अब यहाँ पे 200 तो देखिए 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको कोई 200 से पिछला नंबर ढूंढना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं ढूंढने के, एक तो ये हो गया कि 200 को आप डिवाइड करके देख लो पहले, 7 से नॉर्मल तरीका है, 7 × 2 = 14 हो गया, यहाँ पे 60 आ गया, 60 आता नहीं है इसके टेबल में, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 8 × 7 = 56 और ये कितना हो गया आपका 4, ये आपका रिमाइंडर रह गया, है ना। तो यानी कि 4 कम जो है 200 से, 200 में से अगर आप 4 को घटा देंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना, इसका साफ साफ मतलब ये है। तो 4 कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा, ओके। अब देखिए दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के, एक तो ये तरीका कि आपने कर ही दिया, इसका आंसर निकाल दिया यहीं पर, ये देखिए कैसे ये निकल कैसे गया आंसर, क्योंकि ये देखिए एक से लेके मतलब एक क्या 3 से लेके अगर 200 तक भी है, तो ये क्योंकि 7 के मल्टीपल हम निकाल रहे हैं, तो वो एक से लेके 200 तक कितनी बार 7 आ रहा वही है, तो हमने सीधा सीधा देख लिया कि 200 को डिवाइड करके देख लिया 7 से, है ना, कि कितनी बार 7 उसके अंदर आया, है ना, 7 के कितने पेयर बने, तो वो 28 पेयर बने, एक तो इसी से ही हो गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका अगर आप इसको इससे नहीं समझ पा रहे हैं, तो एपी वाला तरीका ही है कि पहला टर्म हो गया 7 और लास्ट टर्म हो गया 196, तो 196 इज इक्वल टू वही हो गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना 7 है, ओके 7 से कैंसिल कीजिए, ये कितना हो गया 7 × 2 = 14 और 7 × 8 = 56, ठीक है जी, हो गया 1 प्लस एन माइनस 1, ये लीजिए एन आ गया आपका 28, यही आपको निकालना था गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, देखिए द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 100 से लेके आपको 200 तक ऐसे नंबर्स जो 3 का मल्टीपल हैं, है ना, 3 का मल्टीपल हैं वो बताने, उनका सम बताना है, नंबर नहीं बताना इस बारी, अभी तक तो नंबर निकाल रहे थे ना हम कि कितने ऐसे हैं नंबर, अब उसका जोड़ बताना है, सम बताना है आपको, है ना, तो वो देखिए कैसे होगा, योग बताना है उसका टोटल। जो 99 है वो 3 से डिविजिबल है, अब 99 से 3 ज़्यादा कितने हुए, 102 हुआ, 102 हुआ ना, तो पहला नंबर जो है वो है 102, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको लास्ट नंबर देखना है, ठीक है, वो कौन सा है, आप मेरे को बताओ कि सम ऑफ डिजिट्स है जो, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो 200 का सम ऑफ डिजिट तो नहीं है 3 से डिविजिबल, लेकिन अगर 201 बोलो तो ये कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसमें से 3 कम कर दो, यानी कि 198 हो गया, 198, इसमें देखिए 9 और 1 10 और 8 18, 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 3 × 6 = 18 होता है, तो ये हमने वो चीज़ यूज़ कर ली, यानी 102 से 198 तक आपको इनका सम निकालना है, नंबर नहीं निकालना। नंबर तो देखिए अगर निकालना है तो 33 ही होगा, आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक 33 बार मतलब 3 के मल्टीपल आते हैं, 33 आते हैं, ठीक है, वो नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से भी देख लीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 3 का डिफरेंस है, तो डी 3 हो गया, है ना, तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो गए, 3 × 6 = 18 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12 होगा ना, है ना, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 4 = 12 हाँ, प्लस में n माइनस में 1, 34 में से 1 गया 33, तो वो 66 में से 33 गए, तो n कितना आ गया 33,
ये वैसे भी पता है सबको, है ना, क्योंकि 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.999 आता है, तो वही है कि 1 से 100 तक 33 है, तो 100 से 200 में भी वही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हो गया, अब आपका सम का फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। एपी के सम का फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है आपको, क्या होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो एन कितना है, 33 है, 33 बाई टू, फर्स्ट टर्म है 102 प्लस लास्ट टर्म है 198, ठीक है जी। अब इसको कर लीजिए, 198 ये हो गया, दो इसमें अगर जोड़ दूँ तो ये 200 हो गया और ये 100 बन जाएगा, तो 300 हो गया ये, ठीक है। यहाँ से इसको कट करेंगे अगर, तो इसमें क्या करो यार, 300 है ना, 300 को क्या लिख लो, 3 × 100 लिख लो, तो ये हो गया 50, ये हो गया 99, तो 99 को मल्टीप्लाई कर देना 50 से, तो ये करेंगे तो आपका हो गया 0 एक आ गया, 59 = 45 4 45 4950 गाइस, ये क्या हो गया आपका फिर आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है, आसान लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इन क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अब तक नॉर्मल क्वेश्चन किए लेकिन ये एक थोड़ा सा उससे बेटर है। बोल रहा है सम ऑफ ऑल द 3-डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच ऑन डिवीजन बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3। अब देखिए 3-डिजिट के ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो वो 3 रिमाइंडर भी छोड़ें। अब तक तो सिर्फ था कि ये 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, वो ढूंढ रहे थे, अब है कि उसमें रिमाइंडर भी आना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या करना है, 3-डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100। अब वो बोल रहा है कि 5 से डिविजिबल हो लेकिन साथ में 3 रिमाइंडर भी छोड़े, ठीक है, तो इसका मतलब कि 5 से डिविजिबल में अगर 3 ऐड करते हैं तभी वो छोड़ सकते हैं ना। ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़े, कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो 100 तो जो है वो 5 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, 20 आ जाता है। तो अगर ये 103 ले लिया जाए 5 की जगह पे, कहने का मतलब है कि 103 ले लिया जाए अगर 5 की जगह पे, तो कहने का मतलब गाइस कि अगर मैं 103 ले लूँ 5 की 100 की जगह पे, तो ये क्या होगा, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 100 पे तो कट गया, ठीक है, बाकी का 3 जो है वो रिमाइंडर हो गया। कहने का मतलब है कि अब सबसे छोटा नंबर जो है इस सीरीज़ का वो हो जाएगा 103। ये सारे सीरीज़ के सवाल हैं एक तरह से, तो 103 हो गया ये, ठीक है, सबसे छोटा 3-डिजिट का नंबर जो कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, यानी कि 3 शेषफल छोड़ेगा। अब इसी सीरीज में आप देखिए कि आखिरी का नंबर जो होगा वो 1000 तो है, 1000 है जो 5 से डिविजिबल, लेकिन 1000 जो है वो 4-डिजिट का नंबर है गाइस, तो आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो 3-डिजिट का ही हो लेकिन सबसे बड़ा 3-डिजिट का नंबर हो, 3-डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो आपको पता है सबसे बड़ा वैसे 3-डिजिट का नंबर है 999, है ना, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल कौन सा है, 995, ये 5 से डिविजिबल है। इस नंबर में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो क्या ये ऐसा नंबर बन जाएगा जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर आए, समझ गए आप इस चीज को, ये है दिमाग का खेल। तो ये क्या बन जाएगा गाइस, 998, समझ गए। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो वही अपना तरीका जो है देसी तरीका, 998 यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी हो गया ये आपका, देखिए कि 5 से आप भाग कर रहे हैं ना, तो ये 5 का देख रहे हैं तो 5-5 का ही ये डिफरेंस है, समझ गए इस चीज़ को। तो आप देखिए 998 में से 103 गए तो कितने हो गया, 998 103, 8 में से 3 गए 5, 9 में से 0 गए 0, 895 डिवाइड बाय में 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना बन गया, 5 × 5 39 हुआ, तो 5 × 7 = 35, 35 79, ठीक है, 179 इज इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया, तो n कितना हो गया ये आपका 180, यानी टोटली कितनी टर्म्स हैं, 180 टर्म्स हैं गाइस। ये हमने n तो निकाल लिया, अगर n पूछा होता तो ये यहीं तक था आंसर, लेकिन अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा सम, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, गलती से भी आप नंबर ऑफ टर्म्स मत लिखाना, हो सकता ऑप्शन में 180 दिया और वही मार्क करके आ जाए। सम पूछा है या नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, वो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है अपना एपी के अंदर, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है जी। एन कितना है, 180/2 यानी कि हो गया ये 90, और ए कितना है आपका, ए है 103 प्लस में ये हो गया 998। तो इसको गाइस जब आप करेंगे, ठीक है, यही इसका आंसर है,
तो इसको जब आप करेंगे तो आप देख लीजिएगा इसमें जो आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ 99090, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इतना मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर आपके अंदर थोड़ा भी दिमाग है ना, तो यहाँ आप देखिए कि 180 लिखा है, तो जब इसको काटेंगे तो ये 90 बना, तो इसका मतलब है कि 90 यानी कि 9 का वो मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो आप देखिए कि इसमें ये 10 का भी मल्टीपल एंड में 0 आना जरूरी है उसके आंसर के, और 9 का भी होना चाहिए। तो ये देखिए 9 है, तो साफ ही दिख रहा है कि 9 का वो मल्टीपल है। अब अगर ये चीज़ें नहीं आपको समझ आती हैं कि कैसे तेजी से करना है, क्योंकि ऑप्शन दूसरे होंगे बाकी, ये जिस जहाँ से भी मैंने उठाया वहाँ दूसरे ही ऑप्शन थे, सिर्फ यही ऑप्शन था जो मैच कर रहा था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं ऑप्शन में लिख नहीं पाया, लेकिन आपको मैंने तरीका इसके अंदर बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको कैसे अप्रोच रखनी है वो आपके हाथ में, कि तेज़ी से करना है कि स्लो स्लो कछुए की तरह करना है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको अगर बोलूं कि 1 से लेके 100 तक में 3 के कितने मल्टीपल हैं, तो क्या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 100/3? क्योंकि इसका मतलब है कि 1 से लेके 100 में 3 कितनी बार आया, सिर्फ यही इसका मतलब है कि 1 से लेके 100 अगर आपके पास एक तरह से 100 टॉयज हैं, तो 3 3 के पेयर कितने बन सकते हैं उन टॉयज़ के, बस यही है इसका मतलब, ठीक है। तो 1 से 100 में 3 कितनी बार है, तो 100/3 कर देते हैं तो 33 बार आया, इसका ये मतलब हो गया है ना। 33.33 बनता है, लेकिन हमें उसका कंप्लीट वो जो नंबर बनता है ना, नेचुरल नंबर वही लेना है, होल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि 0 भी बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो आप देखिए कि बोला हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 225, यानी कि 1000 से 5000 तक ऐसे नंबर बताओ जो 225 का मल्टीपल हो, इसका मल्टीपल हो, ठीक है, इसीलिए साथ में हम लिख दिया। अब ये निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 1 से लेके 5000 तक, यानी कि 1 से लेके क्या कीजिए, 1 से 5000 तक देख लीजिए कि 225 कितनी बार आ रहा है। सबसे पहला टास्क ये कीजिए, सबसे आसान यही तरीका है, 5000 डिवाइड बाय में 225। वैसे तो ये 25 पे आपको साफ दिख रहा होगा कि कट सकता है, इसको क्या मैं लिख लेता हूँ जी, यही लिख रहा है, ये 25 दूनी 50 होता है ना, ठीक है, ये 200 हो गया और ये हो गया 25 9 जा, ठीक है। अब देखिए 200/9 हो गया, तो इससे जब करेंगे तो ये हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 मतलब कि टोटल पूरा पूरा 22 बार कट रहा है, इसका मतलब है कि 22 बार 225 के मल्टीपल आएंगे, यानी कि जो 225 फिर 225 × 2 फिर 225 × 3 ये कितनी बार आएगा 225 का मल्टीपल, ये कहने का मतलब है कि ये 22 बार आएंगे, ठीक है, यानी कि 22 बार 225 का पहाड़ा, यानी उसका टेबल चल सकते हैं हम, इतना तो तय है। अब देखो वो पूछ रहा है मेरे से कि 1000 से 5000 के बीच में कितना होगा, ये इस चीज़ का वो पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहला टास्क क्या करता हूँ, अब 1 से 1000 तक का निकाल लेता हूँ, उसको माइनस कर दूंगा, 22 में से आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेके 1000 तक में आप खुद बताओ मेरे को, 225 जो है उसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना बन गया, ये हो गया 2 5 10 4 5 450, ठीक है, इसका मतलब है कि 900 तक तो आ जाएगा ना, 225 × 4 करो अगर मैं तो 900 बनता है, ठीक है, इसका मतलब 4 बार जो है 225 1 से लेके 1000 तक के बीच में आ रहा है, ठीक है जी, 4 बार आएगा 225 1 से लेके 1000 के बीच में। तो ये जो 22 है ये है 1 से लेके 5000 के बीच में, तो इसमें से वो जो 4 है वो माइनस कर दो तो 18 आ गया, इसका मतलब है कि 1000 से लेके 5000 के बीच में वो 18 बार आएगा, यानी कि वही इसका आंसर है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 225, तो वो कितने नंबर हो जाएंगे, 18 नंबर हो जाएंगे, 22 में से 4 को माइनस कर देना। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी गाइस, अगर जेन्युइन लग रहा है कंटेंट ना, कि हाँ लग रहा है कि दम है भाई, तो ज़रूर शेयर करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। ये अपना लास्ट लेक्चर था नंबर सिस्टम का, जिसके अंदर मैंने पूरे का पूरा जितना भी डिटेल्ड हो सकता है सारी चीज़ें आपको कवर करवाई, एक भी चीज़ छुड़वाई नहीं है। चलिए गाइस, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।